अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक मरतबा फिर आपको प्यारा रमजान में खुश आमदेद कहते हैं। और क्या मटन बिहारी पुलाव बन रहा है? बिहारी मटन पुलाव या मटन बिहारी पुलाव? अब इसको मैंने अभी थोड़ा सा कुछ तैयार किया है। अभी मैंने इसमें पहले तेल डाला, उसके बाद मैंने इसमें प्याज, खशखाश, प्याज को ब्राउन किया, और मैंने उसके बाद फिर इसमें लहसुन थोड़ा सा उसको पकाया, फिर अदरक थोड़ा सा पकाया, फिर गोश्त। अब ये गोश्त डाल दिया है। और अब सैयदा तूबा आमिर तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं, क्या बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ मटन बिहारी पुलाव, मेरा फेवरेट। आपको तो बिल्कुल नहीं पसंद मटन? कितना झूठ बोलते हैं आप, सिर्फ चिकन खाती हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और हम ड्रिंक क्या आज बना रहे हैं? अभी हमने जो है वो हरी मिर्च का जो है पेस्ट डाला। अच्छा, मैं इधर ही आ जाती हूँ। ठीक है ना, हरी मिर्च का पेस्ट डाले पूरा। अभी इसमें हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाल दिया, और अब इसमें हम ये सारी चीज़ डालेंगे। लौंग, लौंग, इलायची है, इलायची। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, मैं मारिया बात कर रही हूँ। जी मारिया, कैसी हैं आप? कैसी है मारिया? वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, हेलो। आप अपने टीवी की आवाज बंद करें, पहले टीवी की आवाज बंद करें। आमिर भाई, मैं मारिया बात कर रही हूँ कराची से। जी मारिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ आमिर भाई। मारिया टीवी की आवाज बंद करें, मारिया टीवी की आवाज बंद करें, कर दी मारिया। बड़ी फैन हूँ, आप जिस भी चैनल पे आते ना तो मैं आपका शो देखती हूँ हमेशा। अच्छा, टीवी की आवाज बंद कर दी? जी टीवी की आवाज बंद कर दी। अब करें बात आप? जी जी, अब करें बात जी। हेलो आमिर भाई। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत खुश है मारिया सर। मारिया बहुत खुश है जी। मारिया बताएं, बात करें मारिया। जी जी आमिर भाई, मैं मारिया ही बात कर रही हूँ। मारिया मैं आमिर भाई बात कर रहा हूँ, आमिर भाई बात कर रहा हूँ, आमिर भाई बात कर रहा हूँ, आमिर बात कर रहा हूँ। आप मारिया बात कर रही हो? मारिया बात कर रही हो, मारिया बात, आगे चलो। जी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं इतने दिनों से आपको कॉल मिला रही थी, लेकिन कॉल मिल ही नहीं रही थी। चलो मिल गई, अच्छा हुआ। क्या करती हो मारिया? जी मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, किस क्लास में? जी मैं अभी, मैंने रिसेंटली मैट्रिक किया, मैं इंशाल्लाह इंटर करूंगी। इंशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। कितने बहन भाई आप बोले? कितने भाई बहन भाई आप लोग? जी तो बोले बोले। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम सात बहन भाई हैं। माशाल्लाह, अच्छा ठीक है। तो अब्बू क्या करते हैं? अब्बू की मेरे गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा अच्छा जी, अल्लाह ताला अब्बू को आप खुश रखे, खुश खुर्रम रखे, आपके लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमने बनाना गुलबहार पीच ड्रिंक, अजीब गरीब नाम है, क्योंकि गुलबहार भी है, बनाना भी है, आड़ू भी, आड़ू आड़ू। तो हमने आड़ू डाले, केला डाला, बर्फ डाली है, अब हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है, और ये ब्राउन शुगर थोड़ी सी। अच्छा, आपको पता है कल जो आपने वो बनाया था फालसे का ड्रिंक जो था? हाँ। वो इतना अच्छा था। अच्छा, मैंने ही पिया है ज्यादातर। मैंने इफ्तारी कम की है और मैंने वो ज्यादा फालसे का जो शरबत बनाया था आपने, अच्छा बहुत अच्छा, आपको काफी। बहुत अच्छा था। मुझे फालसे वैसे भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है? हाँ, बहुत पसंद। ठंडे मीठे फालसे, लज्जत वाले फालसे। और आपने कलर भी आज वही पहना हुआ है? मेरे अब्बू जब हयात थे ना जी, मेरे फालसे लेके आते थे। हैं ये जनाब, ये शरबत तैयार हो रहा है। अच्छा, अब इसमें हमने जो है वो थोड़ा सा पानी और डाल लें। ये यखनी है ना? यखनी है ना? यखनी, इसको टेस्ट कर लें। यखनी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छी आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ये ऑलरेडी बॉइल्ड था। अभी डिबेट में जो जीती है वो कौन जीती है? तूबा, वो अनुषा, अनुषा नसीम। जी अनुषा नसीम। आप मुझको नाम बता रही थी, याद रखिएगा नाम। नहीं, मैं वहां से मुस्तकिल रिपीट कर रही थी, आप तक नाम पहुंच गया था कि मुझे याद हो जाए। अनुषा नसीम जीत गई आज का मुकाबला।
अयाज मेमन मोतीवाला साहब का कहना था कि उनको अगले राउंड में भेज दें। कांग्रेचुलेशंस अनुषे। हो गया भाई सही। अब क्या होगा, अब एक बड़ा जबरदस्त काम होगा, लेकिन पहले अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी फातिमा कैसी हैं? जी ठीक हूँ। आबिर भाई हमें पर्सनली आपसे बात करनी है। अच्छा। हम बहुत परेशान हैं किसी सिलसिले में ना। अच्छा बेटा अपना नंबर हमूद। जी जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हमूद नंबर लिखिए। आप अपना नंबर लिखिए इनका, बाद में बात करते हैं। यकीनन लिख लिया होगा इसलिए उनकी कॉल पीछे। फिर आ गया। अच्छा ये इसी यखनी के अंदर ही बॉईल होंगे चावल, यखनी में ही बॉईल होंगे चावल। यखनी में बॉईल क्या होंगे, बड़े शानदार अभी खिले खिले निकलेंगे। ये देखिए आप, अभी कोई मुझे लगता है कि मैं अपनी अपने एक रेस्टोरेंट खोलूं। वैसे आप ये बताएं कि आप कब खोलेंगे अपना रेस्टोरेंट? आप मुझे बताएं ना आपने क्या प्लान किया है, क्या नहीं, ये तो आप डिसीजन लेंगे ना। बताएं आप कब खोल रहे हैं रेस्टोरेंट? सिकंदर से पूछेंगे। नहीं आपने क्या प्लान किया है कि इस साल के एंड में, या और वो क्या आप किस तरह के खाने उसमें आप हम एक्सपेक्ट करें? मैं देसी या देसी खाने बनाऊंगा। अच्छा और मतलब उसमें टॉप थ्री डिशेस कौन सी होंगी? नहारी, बिरयानी, बिरयानी दूध दुलारी जो आपने इन्वेंट की है, दूध दुलारी बिरयानी और AFC, ये तीन टॉप थ्री हैं। और वैसे मतलब ये आप पूरा वो वाला रेस्टोरेंट रखेंगे जिसमें और भी चीजें हो या मेन डिशेस बस रखेंगे? कि जैसे होता है ना सारी बातें नहीं अच्छा है ना, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आप रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। बादामी कोरमा भी रखेंगे इसमें, ठीक है, और उसमें हम शाही हलीम भी रखेंगे, उसमें हम खड़े मसाले का कीमा भी रखेंगे, हाँ उसमें चिकन निजामी भी रखेंगे, और वीकली बर्गर्स होंगे, बर्गर रखेंगे, बर्गर कभी कभी मतलब चिकन रिक्वायर्ड है नहीं चिकन, अभी आपने कहा चिकन कोरमा रखूंगा मैं बादामी। अच्छा जी बादामी कोरमा मटर होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी आमिर भाई मैं अवैध बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब अवैध भाई। आमिर भाई मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जनाब जो आपका सेगमेंट होता है ना उल्मा वाला, हाँ वो जरा जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि लाहौर में अब तारी जो हो जाती है वो जल्दी हो जाती है। कराची वालों का क्या करूँ, अफ्तारी का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, जो तो पहले आपका टाइम था सर 5:30 बजे कर लीजिए प्लीज, क्योंकि हमें अच्छा, पता नहीं चलता जो चलो करते है कुछ लाहौर वालों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, सिस्टम बनाते हैं कुछ कुछ करते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसा आपका हुक्म, आपका भाई आपका हुक्म सराखों पर। हाँ जी अच्छा तो क्या कह रहे हैं? वैसे मैं आपके वैसे तो रेस्टोरेंट की बात कर रही थी। हाँ हम कंट्रास्ट में है थोड़ा थोड़ा, मतलब ये कि ये वाली अच्छा ये दुपट्टा मिलता है। हाँ मतलब ऐसे वाले कलर से कंट्रास्ट में तो हम लोग वैसे भी हैं। तो मैं वैसे अभी फ्यूजी कलर वालों ने मैं स्पॉन्सर किया। अच्छा ये अभी कॉलर जो बात कर रहे थे 5:30 बजे, तो वैसे आपका सबसे हमेशा जो मैंने भी हम सबने वॉच किया आपका स्टेटमेंट जो था वो यही था, मतलब आलम ऑनलाइन जो आप अभी कर रहे हैं जी। ये मैं कहती हूँ ये ऐसा सेगमेंट और ऐसा प्रोग्राम है जो हर घर में देखा जाता है, जिसकी फैन फॉलोइंग थ्रू आउट पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी है। आमिर ऑनलाइन जी माशाल्लाह से अभी आमिर ऑनलाइन है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपका कंसेप्ट है तो वो आप सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी इस पूरे जो आपने सेगमेंट इतने सालों से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? मेरी सबसे बड़ी लर्निंग इसमें जी उलमाओं के साथ बैठ के हर चीज ओवरऑल आपका क्या, आप अपना एक्सपीरियंस अगर कुछ वो करेंगे? मैंने कुछ तकरीबन इस प्रोग्राम के जरिए 5 लाख सवालों के जवाब दिए। माशाल्लाह कितने? 5 लाख। 5 लाख उसमें किताबों में लिख रहे थे। तो जो एक्सपीरियंस है वो ये कि उलमा से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी में तब्दीली भी आई, बहुत अपने आप को बेहतर किया, चीज़ें हमें भी नहीं पता थी अब पता चलती है, और फिर हमने पढ़ने की आदत डाली तो अब पढ़कर हमें पता होता है अब हम जो बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये भी है। और पहले पढ़ने की इतनी आदत थी नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी शौक आपको तो, शुरू से था हाँ, बहुत। तो आप सोचिए ना कि आलिम ऑनलाइन, आलिम ऑन एयर, आलिम और आलिम, आलिम और आलम, आलम और आलिम, आमिर ऑनलाइन,
इन सबको अगर देखें तो 20 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देखिए कितनी लंबी जर्नी है ये 20 साल, और ये आगे तक चलती रहेगी क्योंकि लोगों ने हर वक्त में इसको पसंद किया है और हर वक्त में रेलेवेंट सवालों के जवाब हमें इसी प्रोग्राम के थ्रू गाइडेंस मिलती रही है। एक वक्फा ले लूं, वक्फा ले लूं महमूद। अच्छा कॉल 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 कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। मैं नूर फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। ओहो नूर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आ नहीं सके। हूर कैसी है? हूर हूर ठीक है माशाल्लाह, बड़ा मिस किया। उसने पहला रोजा रखा था इस साल। और अम्मी कैसी है? अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है, अम्मी भी बहुत दुआएं दे रही हैं, बहुत मिस कर रही हैं आप सबको, लेकिन हम आ नहीं सकते जाहिर है, मसले बताए। ट्रांसमिशन कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। मैं पहले रोजे से फॉलो कर रही हूँ, सहरी में भी देखती हूँ और तारी में भी देखती हूँ और तुबा को भी देख रही हूँ माशाल्लाह। तुबा कैसी लग रही है? थैंक यू नूर, तुबा बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। कैसी हो तुबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं नूर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। आप दोनों को देख के साथ बड़ी खुशी हो रही है और बड़ा अच्छा लगता है। इस सेगमेंट में खास कर जो है टाइम निकाल के देखती हूँ क्योंकि अच्छा डॉक्टर मुझे एक फरमाइश करनी है भैया, मेरी फरमाइश पूरी कर दें प्लीज। बताओ बताइए बताइए। एएससी बना दे खुदा का वास्ता, एएससी के चक्करों में जो है ना मैं जो है मूड की फरमाइश आने वाला है। अब कैसे बता सकते हैं वो उसकी रेसिपी? एएससी पर हम पोलिंग करेंगे आज। वैसे पोलिंग होनी चाहिए। देखो एएससी जो है ना वो एक सीक्रेट रेसिपी है नूर, वो ऐसे नहीं होती। वो बहुत सीक्रेट है, वो बना दे या तो आप। अब देखो ना वो मैंने मैंने डीप फ्रायर में डाल के दिखा दी। हाँ, अब ये कि उसमें मैंने देखा था उसका वो लगना क्या है, उसमें क्या क्या लगना है, कैसे बनना है, ये तो कोई बता ही नहीं सकता, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ये तो होगा लेकिन लेकिन वैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप रेस्टोरेंट खोलना है। मेरा पोल तो में नहीं जवान जवान हो गया। जी डॉक्टर, तुम आ गई जवान हो गया। अगर ये तो होगा तो फिर ये तो होगा, ये तो होगा, यही तो मसला है, लोग समझते नहीं है, नजर लग जाती है, ऐसी बातें करते नहीं है, नजर हाँ, लग जाती यही है, तो मसला है इस कौम का, समझते नहीं है। मलीर में बहुत, मलीर में सिकंदर आजम को मलेरिया हुआ था, पता है जिस वजह से मलेरिया हुआ, नहीं बता वाकई तो बड़ी अहम मालूमात। मलीर में मलेरिया हुआ था और ये जो इंडिया गयासुद्दीन बलबन बादशाह था, अच्छा। तो वो यहीं पे आए थे इधर गुलिस्तान जौहर में, उसे किसी ने परफ्यूम लगा दिया था तो परफ्यूम चौक हो गई। कैसी कैसी हिस्ट्री? आप बता रहे हो? नहीं आप सीरियस हैं? नहीं जी मैं बता रहा हूँ, जब मलेरिया में मलेरिया हो सकता है तो वहाँ, और इसके अलावा भी है वो, मैं बताता हूँ ना सुने। मोहम्मद बिन कासिम यहीं पर दो मिनट एक जगह रुका था, वो दो मिनट की चौरंगी है। और वो नागन चौरंगी? नागन चौरंगी, हाँ नागन चौरंगी वो यूं है, नहीं पता मैं एक्चुअली मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, वो इच्छाधारी नागन अपने लाभ को तलाश करती हुई नई कराची चली गई थी, तो वहां पर बैठी वो किसी ने देख लिया नागन चौरंगी। ये है भाई इसी तरह है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हिस्ट्री में इतने ऐसे ऐसे वाक्य, ऐसे अजीब अजीब चीजें है। हाँ एक और ब्रेक लूंगा उसके बाद। वो एक एक एक, एक जगह है, हाँ। वहां पर जो है वो शेरशाह सूरी ने अंडे मोड़े थे, अंडे रखे ना मोड़े थे उसको, ये ऐसे अंडे मोड़े ऐसे, कैसे किसने ये क्रिएटिव नाम रखे हैं? ये आए भाई यहाँ पे बड़े बादशाह ही करके गए, क्या कह सकते हैं। और आप मतलब ये अच्छा छोड़ो वफर एक बात हाजिर होते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तवील ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत है। और हमने मटन बिहारी पुलाव तैयार कर ली। नूरे सहर
की ताबिशें इफ्तार की तैयारियां देख रही हैं आप ये देख रहे हैं कि तो खुशबू कितना खूबसूरत है और ये कितना हसीन आप ये देखें कितना दिलफरेब बोटियां हैं वो कितनी सॉफ्ट नजर आ रही हैं कितना शानदार कितना वजादार और उसमें जो एक पुलाव की वो होती है ना हल्की हल्की एक स्टिक स्टिकी सा जो एक वो होता है वो भी बहुत जबरदस्त काम जबरदस्त अच्छा जी ये हो गया देखा जबरदस्त अब मैं आपको बता रहा था उस वक्त हमने वक्फा लिया था और भी कराची में बहुत सारी जगह है जैसे कि एक जगह पर मेरे ख्याल है कोई 1821 में मच्छरों का आलमी इज्तिमा हुआ था सारे मच्छर जमा हुआ था हर किस्म का मच्छर डेंगी काला मोटा टिंडा टेढ़ा सब सारे मच्छर जमा हुए उस जगह का नाम अब मच्छर कॉलोनी 1861 में और उसके बाद 1921 में एक जगह पर एक बेचारी की लड़की की शादी होने वाली थी कुंवारी थी वो उसको किसी बादशाह ने कत्ल करवा दिया अब वो कुंवारी कॉलोनी कहलाती बता रहा हूँ आपको आप अजीब बात है हाँ अच्छा एक 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 हमारे यहाँ कराची में एक और जगह पर है वहाँ पर एक सब्जी वाले के सारे करेले गिर गए तो उसका नाम क्या करेला मोड़ ओह नो करेला मोड़ उसका नाम और जब नाजी हसन शुरू शुरू में आई थी ना जी हमारी नाजी हसन जी जी तो उन्होंने गाना गाया था डिस्को दीवाने बिल्कुल तो उन्होंने गुलशन इकबाल में खड़ो के गाया था तो वो डिस्को बेकरी वहाँ पर और उसके अलावा जो है वो भारत में तो बनारस बहुत बाद में है हमारे यहाँ पहले बनारस बनारस के पास ही जो है वो एक बच्चा था छोटा कोई 1822 में वो पहाड़ी को काट रहा था तो कटी पहाड़ी हो गई बच्चा था छोटा सा पहाड़ी को काट रहा था पहाड़ी को रहा था काट पहाड़ी को रहा था कटी पहाड़ी और उसके अलावा जो है वो कराची में पहली मरतबा जब लोगों ने एक बड़ा बोर्ड देखा तो उसको बड़ा बोर्ड कर दिया फिर छोटा बोर्ड देखा छोटा बोर्ड और वो बोर्ड बेसन क्या था है बोर्ड बेसन तो ये था कि वो एक ऐसी बोर्ड बनी थी यहाँ पर जिसमें बेसन लगा हुआ था उसमें से बोर्ड बेसन हो गई वैसे पता है ये बहुत ये मेरी सारी मालूमात मैं आपको मैं और एक और बात बताऊँ एक बोर्ड लगा था किसी ने कुछ लिखा ही नहीं वो काला बोर्ड हो गया और वो जो हमारे जो हम जब एक्सप्रेस की तरफ आते हैं तो ये नेशनल हाउसिंग फाइनेंस उसकी बिल्डिंग से गुजरते हैं तो वहाँ पर जो है वो एक एक बहुत ही कोई मतलब बड़े हमारे पुराने बुजुर्ग ने बताया था कि अबे रुक जा भाई एक मिनट बहुत ही पुराने बुजुर्ग ने बताया था कि उस वक्त वहाँ पे काले हिरन फिरते थे उस जगह पे तो उसका नाम क्या काला पुल फिर काले हिरन नहीं नजर आए काला पुल और उसके साथ ही गोरा कब्रिस्तान है उसमें सारे सब गोरे नहीं दफन होते लेकिन गोरा है वो गोरा कर दिया उसको क्यों पता नहीं गोरा क्यों है ऐसा नाम अभी क्या पता गोरा है उसमें कोई काला है गोरा है छोटा है मोटा है वो गोरा है वहाँ जो भी दफन होगा गोरा होगा उसके अलावा भी बहुत सारी अब एक मुझे याद आ रहा है अपना है नहीं शफीक बोल रही यार हाँ एक है वो जहाँ सारे बेरोजगार जमा होते हैं बेरोजगार चौक ये मेरे ख्याल में पहले होते नहीं 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 पहले नहीं होते थे भाई ये मैं बता रहा हूँ आपको ये मतलब तो उसके लिए नाम रख दिया मतलब मैं ये कह रही हूँ कहता है कोई नहीं होते थे जब भाई वहाँ वहाँ बैठते थे वहाँ पर आकर अब ये देखे ना वो जब टीपू सुल्तान ने ये कॉल कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी से गीदड़ की तो गीदड़ कॉलोनी बन गई अच्छा अच्छा समझे गीदड़ की 100 साल जिंदगी बहुत अच्छी है गीदड़ कॉलोनी बना ली गीदड़ कॉलोनी हमारे यहाँ भाई हमारे यहाँ और हमारे यहाँ वो एक लियाकताबाद में डाकखाना भी है जबकि वो डाकखाना नहीं है लेकिन वहाँ डाकखाना है नाम है डाकखाना उधर है उसके अलावा वहाँ पर हमारे यहाँ हमारे एक मोची बोर्ड भी है बिल्कुल है सारे मोची वहीं बैठते थे फिर मोची बाद में डिस्बर्स हो गए कोई इधर चले गए कोई उधर चले गया शुरू में सारे मोची की जगह बैठते थे मोची बोर्ड हो गया
ये ऐसे बहुत 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 सारे वो इंजमाम अखले जब रन छोड़ के भागे थे, सही है, उसमें जो थ्रो मारा था तो रन आउट हो गए थे, तो रन छोड़ लाइन हो गई, एक रन क्यों नहीं लिया उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे, बाकी जहाँ पे मीठी मीठी बातें होती है वो मीठा दर है, जहाँ खारी खारी बातें होती है वो खारी दर। अच्छा, अब अखले ले लो, इतनी क्रिएटिव बातें मजाक कर रहे हैं।